एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, सबसे पहला हमारा काम है लेट आई इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन में लिखना। चलिए जी, अब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, नाइन बाई फोर। फिर यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर बोलिएगा प्लस क्यों लिख रहे हैं, माइनस क्यों नहीं लिखे, इसके पहले तो प्लस लिखे, माइनस लिखे थे, यहाँ पर प्लस क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए, ये डिसाइड कर देता है, ठीक है। प्लस थ्री ए बी मतलब कि प्लस टू ए बी जो होता है वही डिसाइड करता है दोस्तों, आ रहा है ना समझ में, बहुत ईजी है। तो ये हमारा डिसाइड कर दिया, तो इसमें अब क्या करना है जी, टू ए बी यानी कि टू इंटू एक्स इंटू बी थ्री बाई टू, तो इसको काटा हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बाई फोर और थ्री एक्स हो गया दोस्तों, जो कि ये और ये हमारे पास उपलब्ध है, ये नहीं है, जो कि हम लोग ले आएंगे बहुत ही आसानी से। चलिए ले आते हैं जल्दी से। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर अब क्या रखते हैं, थ्री एक्स और यहाँ पर नाइन बाई फोर, तो ये हमारा इसके ऐसा बन गया ना। तो आप बोलेंगे कि नाइन बाई फोर कहाँ से आ गया, चलिए हटा देते हैं माइनस नाइन बाई फोर, अब तो ठीक है ना, अब इसमें से काट देंगे तो जीरो हो जाएगा ना, पूरा वापस से अपने पोजीशन पर आ जाएगा ना। तो ये जो है यहाँ तक स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, और ये भी होल स्क्वायर होता है दोस्तों, थ्री का स्क्वायर होता है ना और ये टू का स्क्वायर, तो हम लोग आराम से बना लेंगे। तो ऐसा करिए कि इसे x प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर में लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए थ्री बाई टू का होल स्क्वायर में हम लोग लिख दिए। आगे समझ में कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ईजी था। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो है x है और ये जो है कैसा है a, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाता है और ए स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला देखिए यहाँ पर, एक्स बाई टू और फिर अंडर रूट, जो भी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ था उसको लिख दीजिए, माइनस ए स्क्वायर बाई टू हरदम रहता ही है, और यहाँ पर लॉग और एक्स प्लस जो भी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ था उसको आप लिख दीजिए यहाँ पर। चलिए बनाते हैं, बहुत ईजी है दोस्तों। तो फार्मूला क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, अंडर रूट लिख दीजिए और यहाँ पर डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक्स बाई टू होता ही है, कन्फर्म है, और जो भी चीज़ रहेगा क्वेश्चन में वो चीज़ को यहाँ पर लिख दीजिए, और फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस लिखिए और ए स्क्वायर बाई टू लिख दीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर बाई टू लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि लॉग लिखेंगे और एक्स प्लस अंडर रूट जो भी चीज़ रहेगा हमारे पास वो चीज़ को लिख दीजिए क्वेश्चन में, ठीक है, और प्लस सी लिख दीजिए। ओके, आ गया समझ में। अब क्या करना है हम लोग को कि जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर x प्लस थ्री बाई टू को बैठा लेंगे, और जहाँ पर a रहेगा वहाँ पर थ्री बाई टू को बैठा लेंगे। चलिए सबसे पहले हमारा काम है x, तो x के जगह पर x प्लस थ्री बाई टू को हमने लिख दिया एकदम आराम से, और बाई टू लिखा हुआ ना, तो बाई टू हमने लिख दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको आप फिर से सिंप्लीफाई करिएगा तो जो क्वेश्चन में था वही आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी तक इतना बना लिया तो एक्सपर्ट हो गए होंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स हमने लिख दिया, और यहाँ पर ए स्क्वायर है दोस्तों, तो ए स्क्वायर यानी कि ए ये है ना, इसका स्क्वायर कितना होगा, नाइन बाई फोर, सिंपल, तो नाइन बाई फोर बाई टू लिख दीजिए, इसका जगह पर ए स्क्वायर की जगह पर नाइन बाई फोर हमने लिखा और यहाँ पर टू लिख दिया, और यहाँ पर लॉग लिखिए और एक्स की जगह पर एक्स प्लस थ्री बाई टू, ओके, इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, और अंडर रूट जो भी चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है वो चीज़ को लिख दीजिए, प्लस सी आ जाएगा समझ में, बहुत ईजी है। अब इसका आप क्या करिए कि एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ पर टू एक्स प्लस थ्री हो गया और यहाँ पर बाई टू, कोई दिक्कत, बहुत ईजी था। अब यहाँ पर क्या करना है जी, जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ को लिख देते हैं एकदम आराम से, और ये नाइन बाई फोर है ना, तो फोर को हम लोग नीचे भेज देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर इंटू टू, ठीक है, और लॉग लिखिए, और इसमें भी उसी तरह से एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए, तो टू एक्स प्लस थ्री बाई टू, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखिए जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, दिख जाएगा ना, थ्री एक्स है, ओके, थ्री एक्स प्लस सी। चलिए जी, अब इसमें कौन कौन सा और करने वाला है, ये है, तो टू को हम लोग नीचे भेज देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू एक्स प्लस थ्री बाई टू इंटू टू लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, खिंचाएगा एक और स्टेप, और नाइन बाई एट लॉग टू एक्स प्लस थ्री बाई टू प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर जो है टू एक्स प्लस थ्री बाई फोर, अरे यार पेन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन बाई एट लॉग
टू एक्स प्लस थ्री, बहुत ईजी है, बन गया दोस्तों बहुत ईजी, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सी, एकदम आराम से समझिए, बहुत ईजी है, आराम से बन जाएगा।